Do subscribe and don't forget to press the bell icon to get instant notifications. लोगों का ऐसा मानना क्यों है कि यज्ञ आदि में मंत्रों का ऊंचे स्वर में उच्चारण होना चाहिए? यज्ञ में मंत्रों का ऊंचे स्वर में उच्चारण करने और अग्नि में आहुतियां देने से आकाश में अदृश्य आध्यात्मिक विद्युत तरंगे फैलती हैं, जो यज्ञ देव तक पहुंचती हैं और उन्हें यज्ञ स्थल तक आने के लिए विवश करती हैं। धार्मिक ग्रंथों में आपको ऐसे अनेकों प्रसंग मिलेंगे जब कोई दैत्य यज्ञ अनुष्ठान या मंत्र का ऊंचे स्वर में जप करता है, तब इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है, उन्हें अपने इंद्रासन के छिन जाने का भय सताने लगता है। मंत्रों का ऊंचे स्वर में उच्चारण करने का एक लाभ और है, मंत्र की ध्वनि तरंगे जहाँ तक जाती हैं वहाँ तक कलुषित स्वभाव वाले प्रेतादि का निवास नहीं होता, तथा मंत्रोच्चारण का स्वर जिन गर्भवती महिलाओं के कानों में पड़ता है, उनके गर्भ में पल रहे बालक में आध्यात्मिकता की आस्था उत्पन्न होती है। आप सोचेंगे कि गर्भ के बालक पर इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? इसका सबसे बड़ा प्रमाण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु है, जिसने पिता के मुख से उच्चारित और माँ के कानों से सुनकर चक्रव्यूह भेदन की कला का ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त किया था। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? आज के डॉक्टर कहते हैं कि गर्भवती स्त्री जैसा आहार विहार करती है वैसा ही प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। फिर माँ के कानों द्वारा सुने गए मंत्रों का प्रभाव शिशु पर क्यों नहीं पड़ेगा?